है कि जब दलाई लामा यहाँ आते हैं बोधगया में, तो लोकल लोगों को क्या क्या परेशानी पड़ जाती है? लोकल लोग की परेशानी है जो गाड़ियाँ नहीं आने देती है, रैप बाजार रैप, हाँ, जहाँ पे लोकल लोग सब रहता है, जिनका घर है मकान है, हाँ, तो लोकल के जैसे बिजनेस की हुए है, हाँ, तो बड़ा गाड़ी कोई भी नहीं आने देता है। और स्कूल वाली गाड़ी, स्कूल का गाड़ी भी नहीं आने देता है। अच्छा, जब पूजा चालू रहता है तब तो स्कूल का गाड़ी नहीं आने देता है। तो हम लोग चाहते हैं जी कि एक बाईपास विकल्प के तौर पर, हाँ, एक बाईपास जो मठ के बगल नदी किनारे, हाँ, प्रस्ताव पहले भी पास हुआ था लेकिन किसी कारण से नहीं बना, हाँ, उसको बनाया जाए, हाँ, तो इधर गाड़ी आ सकता है। आप बताइए क्या क्या दिक्कत है अगर दलाई लामा यहाँ आते हैं, क्या क्या दिक्कत है बताइए? वही जो इन्होंने कहा है वही है, हाँ जी, के बगल के द्वारे से रास्ता दिया जाए, हाँ, इधर दक्षिण साइड जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। दलाई लामा ऑलवेज यहाँ वेलकम है, बिजनेस के लिए अच्छा भी है और प्राचीन नगरी है, इसके लिए तो आना ही चाहिए उन्हें। दुकानदार आप हैं? अच्छा, दुकानदार आप ही है जी। आप भी बताइए कुछ क्या क्या दिक्कत है अगर दलाई लामा यहाँ आते हैं? दलाई लामा आते हैं तो वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाहन का एंट्री किया जाए मेरे तरफ से ये है, लेकिन सिस्टम को देखते हुए जैसे बाईपास होके जैसे बैकरोड पुल है वहाँ तक कोई वाहन जैसे उधर इटमा वगैरह जाती है, उस सब गाड़ी को भी छोड़ा जाए ताकि सब गाड़ी अपनी जगह पर जा सके, बाकी रोड को थोड़ा राहत दिया जाए, यही मेरा काम जी। तो आप सुन रहे हैं यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, उनको क्या क्या समस्या है, अब हम उनसे बात करेंगे। सर, ये दुकान आपकी है? अच्छा, ये बताइए जब यहाँ बोधगया में दलाई लामा आते हैं तो लोकल लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? लोकल लोग को कोई परेशानी नहीं होती है, लोकल लोग के और यहाँ पर उसका इंतजार करते हैं कि दलाई लामा जी की पूजा हो। अच्छा, और हम लोग उसका इंतजार लोकल लोग करते हैं साल साल। अच्छा, स्कूल की गाड़ियाँ आती है? गाड़ी भी आती है, स्कूल भी बच्चे लोग जाते हैं। बगल वाले ने कहा कि स्कूल के बच्चे, वो स्कूल में बच्चे लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, स्कूल 15 दिन से ऐसे ही बंद। नहीं नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती स्कूल। अच्छा, बाईपास रोड है, आगे हाँ, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो ये बगल में जो लोग हैं डिमांड कर रहे थे कि दूसरा रास्ता बाईपास से होकर बनाया जाए ताकि गाड़ियों को यहाँ आने दिया जाए। ये मार्केट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, हाँ, कि सुरक्षा के लिहाज से, हाँ, या इसके लिए मार्केट में बाईपास बन गए सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम है जी। दलाई लामा जी के आने से बोध गया कि लोग के फायदा है, ज़्यादा नहीं जी। तो इनका कहना है कि दलाई लामा के आने से तो फायदा है ही है और दिक्कत है वो काफ़ी कम है, ऐसा दिक्कत नहीं है जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। यही वो सड़क है जो काफ़ी प्राचीन काल से ही ये सड़क गया से बोध गया को जोड़ती है, और यही वो सड़क है जहाँ अभी ट्रैफिक मतलब तो बड़ी गाड़ियों को रोका गया, छोटी गाड़ियाँ फिर भी आ ही रही हैं, टू व्हीलर हैं, ऑटो हैं, वो आ ही रही हैं। आपका है दुकान? चलिए चलो, आपके जो ऑफिस यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है जब दलाई लामा आते हैं, तो क्या लोगों को दिक्कत है कोई परेशानी, जैसे बच्चों की स्कूल की गाड़ी का ना आना या सामान लाने में दिक्कत कुछ है? थोड़ा बहुत गाड़ी यहाँ पे बहुत ऑटो से दिक्कत होता है। अच्छा, गाली गलौज बहुत करता है, लड़ाई झगड़ा, और यहाँ पे गाड़ी पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़ाई झगड़ा कौन करता है? सब ऑटो वाला ही बहुत करता है। अच्छा, तो पब्लिक लोग को अभी बहुत परेशान होता है, पैसेंजर लोग को परेशान होता है, गाली इतना गंदा गंदा देता है कि माथा खराब हो जाता है। अच्छा, ये ऑटो वाले लोग तो चाहते हैं कि आप ये ऑटो स्टैंड हटाया जाए? ऑटो स्टैंड हट जाएगा तो बहुत सुविधा होगा। अच्छा, तो इन्होंने एक अलग राग अलापा है, इनका कहना है कि यहाँ पे जो ऑटो वाले हैं ये अक्सर यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, और इनको उन्होंने कहा कि इन्हीं को हटाया जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जब दलाई लामा आते हैं तो लोकल दुकानदार हो या घर वाले, उनको क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है? रास्ता सब ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक? पूरा बोधगया ही का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो दिक्कत क्या है? ना आने दिया जाता, ना जाने दिया जाता। पैदल तो आ ही रहे हैं, टू व्हीलर आ रही, ऑटो आ रहा है,
कहाँ टू व्हीलर आ रहा है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, कोई टू व्हीलर नहीं आता। तो ये गाड़ियाँ जो आपकी सड़कों पे दिखाई दे रही है टू व्हीलर, ये तो मेन रोड थोड़ी है, मेन रोड वो है ऊपर, हम लोग सामने उसी तरफ रहता है, सब बैंक उस तरफ है। अच्छा, वो उस तरफ, हाँ। उधर बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया तो मतलब आप इस रोड की बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं। ये रोड ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ भी नहीं है, टेम्पो सब बंद कर दिया गया है। लेकिन टेम्पो तो दिखाई दे रही है मुझे, दिखाई दे रही है, गली कुची से घुस के एक दो टेम्पो आती है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो अभी कह रहे हैं कि टेम्पो स्टैंड है और दिख भी रही है कि टेम्पो स्टैंड है, इलीगल है, इलीगल नहीं है, मतलब सही तरीके से वो नहीं आ रही है। लेकिन ये नगर पंचायत के बगल में टेम्पो स्टैंड इलीगल कैसे है? इलीगल नहीं है, हाँ। मतलब अभी आने नहीं दिया जाता है, अभी आने नहीं दिया, सामान भी नहीं आ पाता है। तो ये लोग कैसे आते हैं गाड़ी लेकर, गली से घुस के आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पे लोग जो ये देखिए एक ऑटो, ये सामान से भरा ये ऑटो देखिए, तो यहाँ पे कुल मिलाकर प्रशासनिक स्थिति ऐसी है कि इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। राजेश कुमार, बिहार न्यूज़ .in।